वजीराबाद थाना इलाके के बायोडायसिटी पार्क फेज टू एरिए के जंगल में मिली एक अज्ञात शख्स की लाश। शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है। इस शख्स की हत्या हुई है या किसी कारणवश सामान्य मौत, तमाम पहलुओं से वजीराबाद थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी हम मौके पर यहाँ से निकल रहे थे, देखा कि पुलिस खड़ी है, अंदर जाकर पता किया कि लाश मिली है, मगर लाश में शायद अंदाजा 20 से 25 28 साल के लड़के की है। अब पुलिस जो पोस्टमार्टम के लिए ले गई है, जांच का विषय है, अब पता चलेगा कि क्या घटना हुई है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से खाली जगह पड़ी है? घटता है अभी, कुछ दिन पहले भी बड़ी मिली थी यहाँ पर। नहीं, यहाँ जो खाली जगह पड़ी है तो शाम के टाइम कुछ आवारा टाइप के लड़के भी खड़े रहते हैं। पुलिस को जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ गश्त बढ़ाए, तो यहाँ आए दिन कैसी घटना देखने को मिलती रहती है, और पुलिस को जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जाकर देखें कि या तो फिर आगे रास्ता बंद करें आने जाने के लिए। पहले भी बॉडी मिली थी? सूचनाएँ मिलती रहती हैं, क्योंकि आए दिन झगड़े होना, ये होना, मगर पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है। 15 दिन पहले कुछ बॉडी मिली थी? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर पुलिस भी अपनी तरफ से पूरा काम करती है आने जाने में। दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के यमुना पुस्ते के पास बायोडायसिटी पार्क फेज टू के जंगल में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी गार्ड जब वहां राउंड पर थे, तब इस अज्ञात शख्स को मृत अवस्था में देखा तो इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस वहां जांच के लिए FSL टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक का नाम और पहचान अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन उम्र करीब 28 वर्ष बताई जा रही है। यह शख्स कहां का रहने वाला है और इस जंगल में कैसे पहुंचा? वही एक शख्स की हत्या की गई या किसी नशे के कारण वश इस युवक की सामान्य मौत हो गई? इस तमाम पहलुओं को लेकर दिल्ली पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।